स्वागत है आपका P3 न्यूज के विशेष कार्यक्रम ज्योतिष और वास्तु में। मैं विष्णु शर्मा चर्चा करूंगा आज आपसे एक ऋतु के संधि काल का। इस संधि काल का नाम है वसंत। माघ वसंत के महीने में माघ महीने की पंचमी तिथि को एक विशेष त्यौहार मनाया जाता है, जिस त्यौहार का नाम है वसंत पंचमी। आज के दिन विद्या, ज्ञान, गीत, संगीत और प्रेम का विशेष महत्व है। इस महत्व के लिए हम शास्त्रों के द्वारा रचित माता सरस्वती की पूजा करते हैं। माता सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका नाम शास्त्रों के अनुसार माँ शारदी, सरस्वती, वीणा पाणी, तरह तरह के कुछ नाम हैं। और आज ही इनका पूजन किया जाता है। और विशेष बात और ये है कि ये एक अबूझ मुहूर्त होता है माघ मास की वसंत कृष्ण माघ मास की शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी की। ये एक अबूझ मुहूर्त है। वैसे तो अबूझ मुहूर्त और भी होते हैं, जैसे देवोत्थान एकादशी है, अक्षय तृतीया है। और इस अबूझ मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य बिना किसी पंचांग के अनुसार किया जा सकता है। जैसे विवाह तो होता ही है, उसके अलावा भूमि पूजन, कर्णवेद आदि विशेष शुभ काल किए जा सकते हैं। इस साल ये त्यौहार मनाया जा रहा है 30 जनवरी 2020 को। ज्योतिष के अनुसार अगर बुध की कमजोरी कुंडली में होती हो तो इस दिन माता सरस्वती की आराधना विशेष हरे फलों के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि हमें बुध विद्या का ही कारक है, दिमाग का कारक है, और साथ ही हमारे लिए ज्ञान का भी कारक है। अतः बुध का अगर खराब होता हो तो हमें हरे फल से सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। दूसरा एक और पक्ष है कि मान लीजिए हमें बुद्धि तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। ये बृहस्पति के कमजोर होने से होता है कि बुद्धि तो रहती है किंतु ज्ञान नहीं रहता। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें बृहस्पति के पूजन के लिए पीले फूलों द्वारा माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। और अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है तो शुक्र चंचल होता है, शुक्र हमारे चंचलता को बढ़ा करके हमारे सुप्ता को कम कर देता है, और इस सुप्ता को आगे बढ़ाने के लिए हमें शुक्र हालांकि वैभव देता है, हमारे मन में चंचलता भर देता है, और इस चंचलता के द्वारा हम अपने ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन सुप्ता तो देता है ना। अतः इस सुप्ता को प्राप्त करने के लिए हमें शुक्र को शक्ति देने के लिए हमें सफ़ेद फूल से माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। अगर हम कहें कि हमें समय पर इस रंग के फूल नहीं मिलते हैं तो हम मानसिक रूप से भी माता सरस्वती की पूजा के लिए सर्वप्रथम माता सरस्वती का एक चित्र जिसमें वो सफ़ेद श्वेत वस्त्रों, श्वेत हंस और श्वेत कमल के ऊपर में बैठी हों, ऐसा चित्र लाकर उनकी पूजा केसर या चंदन, पीले या सफ़ेद फूलों से, और पीले और सफ़ेद प्रसाद जैसे मिश्री, पीली खीर या श्वेत खीर द्वारा करनी चाहिए। और इस प्रसाद के बाद में माता का एक विशेष मंत्र है, विशेष मंत्र से करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण है ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः। माता सरस्वती के मंत्र का बीज मंत्र है एंग, ए के ऊपर बिंदु एंग। इस मंत्र में परा अपरा सभी तरह की विद्या का समाहत किया गया है, और इस मंत्र से पूजा अगर करते हैं तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये मंत्र अगर विद्यार्थी पीले वस्त्र पे पीले चंदन द्वारा ये मंत्र लिख करके अपने टेबल पर, अपने सामने दीवार पर, चित्र पर रख करके भी करें तो उन्हें विद्या का विशेष प्रभाव मिलता है। विशेष करके सुबह सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे तक
या शाम को सूर्यास्त से लेकर के 2 घंटे तक विशेष पूजा अर्चना का महत्व माना जाता है। सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, आप किसी भी समय इसका पूजन कर सकते हैं। व्रत करते हैं, व्रत करके करें, जो व्रत सह सकते हैं, फलों का जूस पी करके करें, फल खा करके करें, शाम को कर सकते हैं। ये किसी भी समय सुबह और शाम को इसकी पूजा की जानी चाहिए। वसंत पंचमी का एक तकनीकी प्रभाव भी है, इस दिन भगवान अनंग की भी पूजा होती है। भगवान अनंग, जिनका दूसरा नाम कामदेव है, इनकी पूजा भी इसी दिन की जाती है। अब कहेंगे क्यों, तो भाई पहले तो हमने सरस्वती जी की पूजा करके ज्ञान प्राप्त करना है, तब न हम प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के पूर्णता के लिए हमें कामदेव का भी पूजन इसी दिन किया जाता है। कामदेव जी ने एक बार साहस करके शंकर भगवान के तप को अपने अहम में अपने वाणों से तोड़ दिया था, तप को भंग कर दिया था। भगवान अनंग के 5 वाण हैं, जिसमें अशोक, नीलकमल, आम्रमंजरी, लाल कमल और रजनीगंधा के बाण रहते हैं। उस बाण से मन पर प्रभाव दिया जाता है, जो कि हम पर, आप पर, सब पर वसंत देव, अनंग देव डालते हैं। और इस बाण के द्वारा जब शंकर भगवान की तपस्या भंग हुई, तो उन्होंने उन्हें निराकार रहने का श्राप दे डाला। उसके बावजूद भी उनको कहा गया कि आप बिना शरीर के भी आप अपना काम कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम अनंग देव ही पड़ा। इस दिन कामदेव की पूजा भी की जाती है, और ये इस पूजा में सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चमकते हुए वस्त्र और सफ़ेद फूलों से कामदेव की पूजा की जाती है। कामदेव का मंत्र है, ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय धीमहि रतिप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र द्वारा कामदेव की पूजा की जाती है। जिस किसी को भी विवाह में विलंब, विवाह के में कोई परेशानी, प्रेम की कोई परेशानी हो, तो वो निश्चित होकर के कामदेव की पूजा इस दिन कर सकते हैं, ताकि उन्हें उसका उचित वरदान मिल सके। ये अगर सच्चे हृदय से इस प्रकार से पूजा करते हैं कामदेव की, तो विवाह का प्रभाव जल्दी होता है। और उस दिन जो सफ़ेद वस्त्र अर्पण किए थे, वो विवाह के योग्य पुरुष अपने बिस्तर पर तकिए के नीचे रखें, तो उन्हें विवाह का वरदान जल्दी ही प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन विभिन्न राशियों वालों को क्या करना चाहिए, ताकि उनका पूरा वर्ष सुखमय, ज्ञानमय और प्रेममय बीते, आइए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेष राशि वाले जातकों को इस दिन सफ़ेद पुष्प माता सरस्वती को चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के। वृष राशि वालों को सुगंधित अपने घर को करना चाहिए। सुगंधित का मतलब ये नहीं कि खूब धुआं धकड़ कर लिया, धूप जला लिया, हल्की सुगंध का प्रयोग करें। इससे उनका साल वर्ष भर बहुत अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि वाले अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधनवार अपने घर में लगाएं। कर्क राशि वाले केसर मिश्रित भोजन खुद करें, अपने साथियों को करवाएं, प्रसाद बनाएं, माता सरस्वती को चढ़ाएं, खुद करें। सिंह राशि वाले भी केसर मिश्रित भोजन करें। कन्या राशि के लिए भी सुगंधित करना है अपने घर को, अपने कमरे को, अपने घर को, अपने आवास को, भीनी भीनी सुगंध से। तुला राशि वाले भी सफ़ेद खीर का भोग माता सरस्वती को लगाएं, और खुद भी ग्रहण करें और दूसरों को भी खिलाएं। वृश्चिक राशि सफ़ेद पुष्प द्वारा माता का पूजन करें। धनु, हल्दी मिला जल सूर्य देव को अर्पण करें। मकर राशि वाले आम या अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधनवार घर के बाहर लगाएं। कुंभ, मीठी वस्तु का दान या ग्रहण भी कर सकते हैं।
और मीन वाले पीले वस्त्रों का उस दिन पीले वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम माता सरस्वती के पूजन करने के बाद विवाह के इच्छुक युवक कामदेव का पूजन करते हैं तो उन्हें इसका विशेष फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये संतुलन का पर्व है। बसंत एक संतुलन है, ये संतुलन का पर्व है। अगर इस संतुलन को बना करके रखेंगे तो पहले हमें बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, तब हमें प्रेम की अनुभूति होगी, प्राप्त होगी, तभी तो जीवन में बसंत आएगा ना। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम दूसरे विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रणाम।